एक काली गुफा में तीन चुड़ैल पिंजरे में कैद होकर आपस में बात करते हुए बोलती हैं। बाप रे, इन इंसानों के अंदर दिल भी है या नहीं? हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। लगता है इन लोगों के अंदर सच में दिल नहीं है, तभी तो हम तीनों चुड़ैल को इस पिंजरे में कैद कर रखा है। खैर जो भी हो, जिस दिन हम इस पिंजरे से निकलेंगे उस दिन हम किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे। हम सभी इंसानों को मौत के घाट उतार देंगे। ये तीनों चुड़ैल आपस में बात कर ही रही थी कि तभी उस गुफा के सामने से दो लड़के गुजर रहे थे। वो लड़के आपस में बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी वो तीनों चुड़ैल उन दोनों आदमियों की खुशबू को सूंघकर आपस में बोलती है, अरे बहन, क्या तुझे इंसानों की खुशबू आ रही है? हाँ तो रही है, लेकिन हम उस इंसान को रोके कैसे? हमें इस पिंजरे से निकलना होगा। अरे रोकना क्या है, उसे आवाज लगाओ और वो रुक जाएगा। वो दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए जा ही रहे थे कि तभी वहाँ अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगती है और उस हवाओं के साथ उन्हें किसी की आवाज आती है। कोई हमारी मदद करो, हम इस पिंजरे में कैद है। इस गुफा से और इस पिंजरे से हमें आजाद करवाओ, हमें यहाँ से निकलना है। अरे भैया, इस गुफा में से तो कोई आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें इस गुफा के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर तीन भयानक खोखार चुड़ैल रहती हैं। हाँ भैया, मैंने भी सुना है। छोड़ छोड़ो, इन आवाज को इग्नोर करो और यहाँ से चुपचाप 9-2-11 हो जाओ। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। ये देख के वो दो आदमी उन चुड़ैल के पिंजरे के पास नहीं आए, ये देख वो चुड़ैल गुस्से में बौखला जाती है और बौखलाते हुए बोलती है, ये इंसान यहाँ कैसे जा सकता है? इसकी इतनी हिम्मत की है यहाँ पर आया और हमसे मिलकर भी नहीं गया। जिस दिन मैं इस पिंजरे से निकली उस दिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे तू क्या, हम दोनों भी इनको नहीं छोड़ेंगे। अब इनको मौत के घाट उतारना ही होगा। आखिर एक बार हम यहाँ से निकल तो जाए। वो तीनों चुड़ैल इस तरह चिल्लाती रहती है और इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह के समय विनय नाम का एक लड़का उस गुफा की तरफ से जा रहा था कि तभी उस गुफा से विनय को भी एक आवाज आती है, कोई हमारी मदद करो, हम इस पिंजरे में कैद हैं। इस गुफा से और इस पिंजरे से हमें आजाद करवाओ, हमें यहाँ से निकलना है। ये आवाज सुनकर विनय उस गुफा के अंदर जाता है, जहाँ वो उस गुफा के अंदर सुंदर सी तीन लड़कियों को देखता है। वो उन तीनों लड़कियों को देख उनसे बोलता है, अरे तुम तीनों यहाँ पर इस पिंजरे में कैसे कैद हो? तुम तीनों को पिंजरे में किसने कैद किया है? अरे मेरे राजा, हम लोग तो तुम जैसे स्मार्ट और डैशिंग बॉय के साथ रहना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को एक बुड्ढे से दिखने वाले लड़के ने इस पिंजरे में कैद कर लिया और वो हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज हमारी मदद करो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इतना कहकर वो उन तीनों का पिंजरा खोल देता है और जैसे ही उन लड़कियों का पिंजरा विनय खोलता है, वैसे ही वो तीनों लड़कियां बाहर आती हैं और चुड़ैल का रूप धारण कर लेती हैं, जिसके बाद वो एक विशाल चुड़ैल बन जाती हैं। उन तीनों भयानक चुड़ैल को देख विनय उनसे बोलता है, हे भगवान, तुम तो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल हो। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने तो हमें आजाद करवाया है, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। यहाँ से जाना है ना, जाओ। चुड़ैल की बात सुनकर विनय खुश हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद गांव में विनय आकर सभी को सब कुछ बता देता है। उसकी बात सुनकर मोहित बोलता है, विनय, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने आखिर उस पिंजरे को क्यों खोल दिया? क्या तुम्हें नहीं पता था कि वहाँ तीन भयानक चुड़ैल रहती हैं? मुझे माफ कर दो, मेरी शादी नहीं हो रही तो मैंने सोचा इतनी प्यारी आवाज है, क्या पता वहाँ कोई लड़की फंसी होगी, उसको आजाद करवा कर मैं उससे शादी कर लूंगा। और तुम उसकी नजरों में महान बन जाओगे, है ना? यही सोचा था ना तुमने? खैर, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुमने दो गलती कर दी, अब मुझे ही कुछ सोचने दो। इतना कहकर मोहित अपनी आंखें बंद करता है, जहां उसे उस पिंजरे का रूप दिखाई देता है, जिसके बाद उसे उन चुड़ैलों के खात्मे के बारे में पता चल जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वैसे ही वो तीनों चुड़ैल उस गांव में उसके सामने दिखाई देती है। वो चुड़ैल अब उन लोगों को अंधाधुंध मारने लगी कि तभी कुछ गांव वाले हिम्मत करके चुड़ैल के सामने आते हैं और उससे बोलते हैं, आखिर तुम इन गांव वालों को क्यों मार रही हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हम लोगों को आजाद ना करके तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती करी है। हमारा गुस्सा अब सातवें आसमान पर है, अब तुम लोग नहीं बचोगे। हाँ, तुम नहीं बचोगे। एक बार तो हमें किसी तांत्रिक ने उस पिंजरे में कैद कर दिया था, लेकिन अब हम उस पिंजरे से आजाद हो चुके हैं।
एक तरफ तो चुड़ैल और गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित चोरी छिपे उस गुफा में जाता है, जहां वो उस गुफा में रखे हुए तीन पिंजरों को जला देता है। जैसे ही वो पिंजरा जलता है, वैसे ही वहां वो चुड़ैलें जलने लगती हैं। खुद को जलता हुआ देख चुड़ैल गुस्से में बोलती है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। ठीक है, हम लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन तुम लोगों ने कौन सा भला किया है? हमारे बेचारे विनय को धोखे में रखकर खुद को आजाद करवा लिया। वो तो तुम्हारे विनय की मूर्खता थी। अरे तुम इंसान होते ही मूर्ख हो, भला एक गुफा के अंदर कोई लड़की कैसे कैद रह सकती है? तुम इंसानों की कमजोरी ही सुंदरता होती है। जहाँ सुंदर लड़की दिखी नहीं, वहाँ तुम लड़के फिसले नहीं। लेकिन याद रखना, हम वापस जरूर आएंगे, और जब आएंगे तो हम तुम लोगों को तबाह कर देंगे। वो ये बात कह रही थी कि तभी एक तरफ पिंजरा जलकर राख होता है, तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है, और इस तरह अब उस गांव को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई, जिसके बाद सभी गांव वाले अब खुशी के साथ मिलजुल कर रहने लगे।